एंड ऑब्जेक्ट। सबसे फर्स्ट आपको क्लास क्या है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। भाई यू नो वेरिएबल जावा के इनसाइड मिनिमम एक क्लास होना ही चाहिए। और ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपके पास ओओपी के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओओपी मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिसे सिंपल से आपको समझ में आएगा, मशीन के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना हो कोई भी मशीन, दैट्स मीन्स व्हाट, सिस्टम के साथ या कोई इलेक्ट्रिक गैजेट के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना हो, कंपलसरी उसकी बाइनरी लैंग्वेज 0 1 0 1 लर्न करना कंपलसरी है। और उस जो उसका इन बिटवीन मीडिएटर है वो है जावा प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है वो क्लियर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे समझाए, ऑब्जेक्ट को भी पर्सन हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, राइट है। क्लास मीन्स व्हाट, जिसे कोई भी स्टूडेंट का नेम है वो क्लास है, बट उसके एट्रीब्यूट देखो यहाँ पे डिफरेंट है, ये उसके एट्रीब्यूट है। ओके, नेम, रोल नंबर, वो सब ये फोर जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट ही है, पर उसके अंदर जो यूज किया है वो डिफरेंट है, राइट। अभी क्लैरिफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट ये चैप्टर के अंदर हम क्या क्लैरिफाई करने वाले हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है उसके बारे में क्लैरिफाई करेंगे। जिसके लिए हमको प्रैक्टिकल करवाना और प्रैक्टिकल आपको कंफर्म करना है साइंटेक के अंदर, वो कंपलसरी, इसके बाद ही ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास इन जावा, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके टोटल 3 स्टेप है, डिक्लेरेशन, इंस्टेंशन एंड इनिशियलाइजेशन, एंड देन वी लर्न अबाउट 8.6.3, एक्सेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल एंड कॉल इंस्टेंस मेथड। अभी देखो यहाँ पे 2 टाइप के वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल भी है और इंस्टेंस मेथड भी है। ऐसे भी पहले हमने क्लैरिफाई किया, टोटल जावा के अंदर 3 टाइप के वेरिएबल होता है, एक इंस्टेंस वेरिएबल, देन लोकल वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 8.4, क्लास वेरिएबल के बारे में क्लैरिफाई करना है और क्लास मेथड के बारे में समझना है। सर ये इंस्टेंस मेथड क्लास मेथड में डिफरेंट क्या है, वो सब हम यहाँ पे डेप्थ में लर्न करने वाले हैं, जिसका पूरा कंप्लीटली विद प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ हमको समझना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन इन क्लास। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जो मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था, ओके, क्लास के अंदर टोटल 3 टाइप के वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। ये तीनों दिन में डिफरेंट क्या है, इसके लिए आपको कंपलसरी विथ प्रैक्टिकल अभी एक एक प्रोग्राम समझना पड़ेगा। आपको ये पॉइंट्स कंप्लीट होगा उसके बाद ही एरे के कंसेप्ट क्लियर होने लगेंगे। इसके बाद पॉलीमरफिज्म, उसका मीनिंग होता है मेथड ओवरलोडिंग, राइट है, मैंने पॉइंट याद रखवाया था। कंस्ट्रक्टर, सर ये कंस्ट्रक्टर वापस न्यू कंसेप्ट है, समझ में आ जाएगा। विजिबिलिटी एंड मॉडिफायर फॉर एक्सेस कंट्रोल, को भी विजिबिलिटी है, टोटल 4P है, राइट। सबसे फर्स्ट है पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। बाई डिफॉल्ट कौन सा होता है, पैकेज, सिंबल याद है इसका, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक अलग से नई मेथड है एक्सेसर और म्यूटेटर, और लास्ट में हम यहाँ पे लर्न करने वाले इनहेरिटेंस, उसमें भी 2 है, कंपोजिट एंड एग्रीगेशन। इसके लिए आपको ओपी उप्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसकी थ्योरी क्लियर होगी, इसके बाद ही ये सब प्रोग्राम आपको समझ में आने लगेंगे ऑटोमेटिकली। ओके, वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ओओपी से पहले। जब 1960 से पहले ओपी का कंसेप्ट नहीं था तो क्या प्रोग्राम नहीं डिजाइन करते थे, डिजाइन किया जाता था, पर उसको बोला जाता है प्रोसीडर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें जो ग्लोबल डेटा है वो सबसे पहले आता है, इसके बाद फंक्शन आता है, और बाद में यहाँ पे लोकल डेटा होता है। ये एक फ्लो चार्ट है जो ओपी के पहले जो प्रोग्राम बनाते थे उसका था, जिसके बाद ओपी जब डेवलप हुआ उसमें कुछ अलग क्राइटेरिया है, दोनों के अंदर ये डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें डेटा और फंक्शन टॉप पे होता है, और यहाँ पे फंक्शन और डेटा भी होता है पर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होता है।
डायरेक्टली कनेक्टेड है, कहीं से ना कहीं एक्टिविटी मिलती है। अभी यहाँ पे क्या होता है, देखो फंक्शन वन है वो फंक्शन थ्री के साथ कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो टाइम वेस्ट होता है। ओके और एक्सेस परमिशन एक्सेस करने के लिए भी कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो ये क्राइटेरिया से और ये डायग्राम से आपको एटलीस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आने लगेगा भाई सी लैंग्वेज है वो ये कैटेगरी में, और सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ओके जो ओपी के अंदर कनेक्टेड है। तो सर ये सब में क्या होता है, पहले वेरिएबल डेटा ऊपर टॉप पे होता है, उसके बाद फंक्शन, फंक्शन टू, ये सब यहाँ पे होता है। तो देखिए आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो डायग्राम के अंदर, कि जब आप एग्जाम के टाइम थियरी याद रखोगे तो ये क्लियर होगा, तो ऑटोमेटिकली सब थियरी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद की बात करें ऑब्जर्व ओरिएंटेड की प्रॉपर्टीज, जैसे हमने उप्स के कंसेप्ट के अंदर समझा था, सबसे फर्स्ट क्या होना चाहिए, डेटा अनकैप्सुलेशन। तो कैप्सूल को याद रखने के लिए मैंने कैप्सूल का सिंबल याद दिलाया था, याद है आपको, और इसमें डेटा क्या होता है, प्राइवेट होता है। इसमें भी वेरिएबल और डेटा ही है, जिसे आउटसाइड से कोई भी पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए डेटा को क्या करना पड़ता है, कंपलसरी प्राइवेट करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी इसके थियरी का हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में भी ऐसा ही है। ओके क्या मैंने बोला था, जो पेरेंट्स के एट्रीब्यूट है ऑटोमेटिकली वो किस में आ जाना चाहिए, चाइल्ड के अंदर आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल टीचर है वो एक चाइल्ड है, सर ऐसे ऐसे चाइल्ड नहीं है, प्रोग्राम समझ देख रहे, और पर्सन है वो पेरेंट क्लास है, पर्सन है इसके लिए वो टीचर है। ओके और एरो देखो यहाँ पे एरो याद रखने का, दैट्स मीन्स व्हाट, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को एरो दिखाता है, राइट है। इसके हिसाब से भी प्रोग्राम बनाएंगे, और इसमें भी दो टाइप के इनहेरिटेंस थे, मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आई होप सो यू आर रिमेम्बर लिटिल बिट स्मॉल पॉइंट। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया था डेटा एब्स्ट्रैक्शन, उसमें क्लास शेप, अभी शेप कोई भी हो सकता है, हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है ट्राइंगल हो सकता है सर्कल हो, पर ये सबके फॉर्मूला देखोगे तो डिफरेंट होता है, राइट। फिर भी हम बोलते क्या है, शेप ही बोलते हैं ना, तो ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हम शेप बोल देते हैं, जो भी उसके अंदर जो भी उसका फॉर्मूला है, लाइक सर्कल है तो क्या होता है, 3π × r × r, राइट, तब हमको सर्कल का एरिया मिल जाता है। तो इसके लिए आपको एरिया फाइंड आउट करना हो, ओके रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो, ट्राइंगल का फाइंड आउट करना हो, या सर्कल का करना हो, सबका यहाँ पे यूज यही होता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट पॉलीमर्फिज्म। अभी पॉलीमर्फिज्म क्या था, तो उसका भी मैंने कई सारे स्मॉल पॉइंट समझा दिए थे। पॉलीमर्फिज्म मीन्स व्हाट, पॉलीमर्फिज्म के अंदर जो मेन है क्राइटेरिया है एरिया, एरिया इसके अंदर भी हमने क्या क्लैरिफाई किया था, जैसे सर्कल, ट्राइंगल या रेक्टेंगल को भी पॉइंट्स हो, ये सबका एरिया सेम होता है, सबके लिए एरिया एरिया कॉमन है, उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। उसमें भी दो टाइप की कैटेगरी हमने लर्न किया था, फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड लोडिंग। तो देखो सर्कल का भी एरिया है, रेक्टेंगल का भी एरिया है, और ट्राइंगल का भी एरिया है, सबका कॉमन पॉइंट है। ओके पूरा चैप्टर ये ओपी के कंसेप्ट इसके ऊपर से चल रहा है, ये कंसेप्ट क्लियर होगा तभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको कुछ समझ में आएगा। तो हम फर्स्ट ओनली फॉर यही पॉइंट्स क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले क्लास समझ लीजिए, यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर क्लास नाम का पर्सन है और उसके ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे पर्सन है, नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट एंड प्रोफेशन, ये उसके एट्रीब्यूट है। तो वैल्यू क्या है भाई, नेम तो मिस्टर मीरा, मिस्टर बिना, अभी, प्रोफेसर श्याम और एमएस दाना।
ये सबका सब है तो पर्सन ही ना, फिर भी एक ही क्लास के अंदर आता है, पर्सन के अंदर। तो सबका सीटी भी वैल्यू डिफरेंट है, जेंडर भी डिफरेंट है, बर्थ डेट भी डिफरेंट है और प्रोफेशन भी डिफरेंट है। फिर भी वैल्यू डिफरेंट होते हुए भी ये सबके कॉमन एट्रीब्यूट है। कौन से है? सिटी, जेंडर, बर्थ डेट एंड प्रोफेशन। और ये सब कुछ किसके होते हैं? पर्सन के ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाए। तो एक्चुअली क्लास एंड ऑब्जेक्ट में होता क्या है? आपको सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, क्लास इज अ कंटेन बोथ डेटा एंड प्रोग्राम कोड। डेटा के अंदर क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। और प्रोग्राम कोड के अंदर क्या होता है? फंक्शन और मेथड। फंक्शन को ही हम मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, इसके हिसाब से। हाँ, ओके, तो इसके हिसाब से क्लैरिफाई करें। सिंगल क्लास इन अ जावा प्रोजेक्ट। अभी देखो, मैंने पहले इन्फॉर्म किया, जावा के प्रोग्राम बोलो, जावा के फाइल बोलो, या जावा के क्लास बोलो, उसमें मिनिमम एक सिंगल क्लास होना चाहिए। नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर लार्ज एप्लीकेशन। जब ज्यादा बनाते हो तो मिनिमम एक सिंगल क्लास नहीं, इसे एक से ज्यादा क्लास होने की पॉसिबिलिटी है, जो हमने चेक कर चुके हैं। राइट, एक कंटेंट एक बार रीड कर लीजिए प्लीज। When the designing software, जैसे कोई फ्यूचर में आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की ट्राई कर रहे हो, तो कंपलसरी पूरे प्रोग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट के अंदर, जिससे आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। राइट है, जैसे आपने सॉफ्टवेयर, कई सारे सॉफ्टवेयर बनाते हुए देखा होगा, तो उसको स्मॉल स्मॉल मेनू बार में, जैसे फाइल मेनू, एडिट, टूल्स, व्यू, हेल्प, वो सब में डिवाइड करते हैं। जैसे पूरे प्रोग्राम को डिवाइड होगा, तो जैसे आपको उसको मैनेज करने में और याद रखने में इजी रहेगा। राइट, और फ्यूचर में कुछ भी नया अपडेट लाना हो तो इजीली आप अपडेट भी कर सकते हो। फॉर ईच सच एज अ कंपोनेंट और मॉड्यूल्स वी मे बी क्रिएटेड अ क्लास। अभी क्लास बनाने की बेस्ट प्रोसेस है, उसके लिए कई सारे स्मॉल प्रोग्राम भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, जैसे फास्ट फॉर्म में प्रोग्राम भी समझ में आने लगेगा। ओके, तो ये जो मेन मेन पॉइंट है वो याद रखना। अब फिर देखो, यहाँ पे हम क्लास का डायग्राम जो ऑलरेडी ओपी के अंदर भी समझे थे, सबसे पहले क्लास का नाम होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप। उसके अंदर विजिबिलिटी एट्रीब्यूट होना चाहिए, डेटा टाइप और इनिशियल वैल्यू होना चाहिए। एग्जाम्पल दू, माइनस, माइनस का मीनिंग हमने क्या समझा था? प्राइवेट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर, तो इंटीजर क्या था? डेटा टाइप। इक्वल टू, जैसे एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल टू 10, तो 10 है वो इनिशियल वैल्यू है डेटा टाइप है, जो इंटीजर एक्स करके डिक्लेयर किया। और आगे विजिबिलिटी कुछ नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है? पैकेज बन जाता है, ऐसा कुछ हमने क्लैरिफाई किया। इसके बाद यहाँ पे कोई विजिबिलिटी ऑपरेशन, जैसे मेथड थी डिस्प्ले और उसके आर्ग्यूमेंट थी, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है सेट एट्रीब्यूट, जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर चुके हो। उसके अंदर टोटल कितने आर्ग्यूमेंट थी? 4 आर्ग्यूमेंट थी, बट उसमें कुछ रिटर्न नहीं हो रहा था, बट उसकी जगह पे डबल एरिया करके था, उसमें रिटर्न लिखते थे हम। याद आ रहा है आपको? कुछ स्मॉल पॉइंट था। ओके, इसके बाद ही हम क्लैरिफाई करते हैं। देखें, अभी ये भी हमने क्लैरिफाई किया, पर्सन एंड पर्सन वो क्या है? क्लास है। ओके, क्लास पर्सन, पर उसके टू ऑब्जेक्ट है, एक का P1 है और दूसरे का P2 है। उसके एट्रीब्यूट ये है, नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट एंड प्रोफेशन। सेम नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट एंड प्रोफेशन, ऐसे टोटल 5 एट्रीब्यूट है। और दोनों के वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। एक का नाम है मिस डॉक्टर मीरा, राइट है, एक का नाम है डॉक्टर मीरा और दूसरे का नाम प्रोफेसर श्याम। ओके, तो यहां से आपके पॉइंट्स क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। अभी देखो, सिटी तो दोनों के, P1 के सिटी वडोदरा है और इसका अहमदाबाद है, ये सब डेटा चेंज है, एट्रीब्यूट दोनों के कॉमन है, फिर भी वो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 बनाया हुआ है, वो सब है किसके?
पर्सन क्लास के एट्रीब्यूट है। ये थियरी आपको ऐसे ही समझनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद ही मैं आपको प्रैक्टिकल करवा सकता हूँ और तभी आपको टेक्निकल वर्ड समझ में आएंगे। सेम क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा प्रोग्राम थ्रू द एग्जाम्पल रूम। हम एक प्रोग्राम समझने वाले हैं, उसमें क्लास का नाम था रूम। रूम है, हाउस में हो सकता है, होटल में हो सकता है, हॉस्टल में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है। हाउस में तो बेडरूम हो सकता है, लिविंग रूम हो सकता है, होटल में रूम हो सकता है, लग्जरियस रूम हो सकता है, डिलक्स रूम हो सकता है, राइट है। इसके बाद हॉस्टल, हॉस्टल के अंदर भी वैरायटी होती है, कई सारे कैटेगरी की हॉस्टल भी अवेलेबल है। ओके नेक्स्ट, उसके अंदर रूम के अंदर देखो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कौन सी है भाई, प्रॉपर्टीज है भाई। जितने भी रूम हो, हॉस्टल का रूम हो, स्कूल में क्लासरूम हो, या लाइब्रेरी रूम हो, या रीडिंग रूम हो, ये सब बोला तो जाता है रूम ही, पर रूम के यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या है या प्रॉपर्टी क्या है भाई। कोई भी रूम हो पूरे वर्ल्ड में, उसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, और नंबर ऑफ विंडो होता है, राइट है, और डायरेक्शन भी होता है, और नंबर ऑफ डोर होता है, वो कॉमन एट्रीब्यूट है, राइट है। एक बार पॉइंट क्लैरिफाई करो तो प्रॉपर। नाउ वी क्रिएटेड अ क्लास नेम रूम। रूम नाम का एक क्लास बनाते हैं, उसके टोटल फोर एट्रीब्यूट है। लेकिन अच्छी तरह समझना ये थ्योरी, इसके बाद ही प्रोग्राम समझ में आए। कितने एट्रीब्यूट है, फोर, जो ऑलरेडी आप प्रैक्टिकल कर चुके हो साइंटेक के अंदर, राइट है। एक का नाम है लेंथ, दूसरे का विथ, हाइट एंड नंबर ऑफ विंडो। टोटल कितने ऑप्शन है, फोर, और मेथड होती है टोटल थ्री। कौन सी आपको क्लियर है, रेफरेंस बुक ओपन करोगे तो आपको ऐसा प्रोग्राम दिख जाएगा। और इसके बाद हमने विजिबिलिटी के बारे में समझा था, याद है विजिबिलिटी, टोटल पब्लिक, तो इसका सिंबल प्लस था। एनीवेयर इन द प्रोग्राम मे बी कॉल फॉर एनी ऑब्जेक्ट विद इन अ क्लास। प्राइवेट, उसका सिंबल है माइनस, क्लास दैट इज डिफाइनिट, प्रोटेक्टेड, हैशटैग, राइट है, पैकेज जिसका सिंबल है टिल साइन, इंस्टेंस ऑफ द अदर क्लास विद इन अ सेम पैकेज। ये सिंबल भी माइंड में सेट कर लो एक बार। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्विच हो जाते हैं। ये प्रोग्राम आपको दोनों साथ में मैंने कंबाइन करके दिखा दिया है, जो ऑलरेडी आप प्रोग्राम टाइप कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चले जाइए। ये प्रोग्राम के अंदर दो क्लास आप जूम कर सकते हो, और ये जब आप रिवीजन कर रहे हो तो अच्छी क्लैरिटी में रिवीजन करना, राइट, अदरवाइज ये प्रोग्राम दिखेगा नहीं आपको। ये प्रोग्राम के अंदर हवा का जो प्रोग्राम है, इसमें टोटल टू क्लास, एक कंटिन्यू प्रोग्राम है। मैंने एग्जैक्टली सामने रिप्लेस इसलिए किया था प्रॉपर्टीज, प्लॉट, लेंथ, विथ एंड हाइट, टोटल यहाँ पे थ्री
फ्री वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल है वो कौन सा है, फोर्थ वन, राइट। टोटल वेरिएबल हुए फोर, तो यू नो वेरिएबल फ्लॉट की साइज कितनी है, इसके लिए डेटा टाइप क्लियर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मेथड है, एक का मेथड का नाम है सेट एट्रीब्यूट, सेकंड का डबल एरिया, और थर्ड का है वॉइड डिस्प्ले। टोटल मेथड नंबर थ्री, टोटल थ्री मेथड है। इसके अंदर भी हम क्लैरिफाई करें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक आर वन एंड आर टू, कितने ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट है। इसमें आर वन डॉट डिस्प्ले, आर टू डॉट डिस्प्ले, ये मेथड का मैंने यूज किया है। यहाँ पे मेथड मैंने बनाई वन टाइम, और यूज कितनी बार कर रहा हूँ, टू टाइम। सेम सेट एट्रीब्यूट, ये मेथड नंबर वन, यहाँ पे भी मैंने टू टाइम यूज किया है, सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट। देन आर वन डॉट डिस्प्ले, यहाँ पर भी हमने क्लैरिफाई किया है, आर वन डॉट डिस्प्ले, आर टू डॉट डिस्प्ले, और लास्ट में ये दोनों का एरिया जो हमने बनाया था उसका यूज कर रहे हैं। ओके, और भी डेप्थ में हम इसके अंदर पॉइंट क्लैरिफाई करने वाले हैं जब हम फेस टू फेस मिलेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट ये समझ में आएगा तो भी हम आगे जा सकते हैं, है ना। तो ये पूरा प्रोग्राम हमको क्लैरिफाई, दो क्लास है, एक का नाम है रूम और दूसरा का रूम डेमो। टोटल मेथड नंबर वन, मेथड नंबर टू, मेथड नंबर थ्री, और उसका यूज हम यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। आर वन एंड आर टू नाम का मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट को स्पेस देने के लिए न्यू नाम का कीवर्ड रखना कंपलसरी है। अभी क्लास इन जावा, तो क्लास एक्चुअली है क्या, टेम्पलेट फॉर द मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद सिमिलर फीचर्स। क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें कई सारे कॉमन फीचर्स होना चाहिए। क्लास एम्बेडेड ऑल द फीचर्स ऑफ द पर्टिकुलर सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जितने भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्लैरिफाई किया है। क्लासरूम है ना, वो एक टेम्पलेट है जो पूरे वर्ल्ड के कितने भी रूम है उसमें कॉमन उसकी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। एग्जाम्पल क्लास, क्लास नेम, जिसे क्लास रूम लिखा था, क्लास में क्लास रूम डेमो। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा गया क्लास क्या है, आपका आंसर आना चाहिए कीवर्ड। क्लास के अंदर होता क्या है, वेरिएबल्स और मेथड होती है, राइट है। ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी देखिए, कोई भी क्लास हो उसके अंदर टू मेन पार्ट्स हैं, एक एट्रीब्यूट और उसका बिहेवियर। एट्रीब्यूट आर डिफाइन इन अ वेरिएबल इन अ क्लास, और बिहेवियर डिफाइन इज अ मेथड इन द क्लास। आपको पूछा गया एट्रीब्यूट किसके साथ जॉइंट है, वेरिएबल के साथ। वेरिएबल के अंदर क्या जॉइंट है, एट्रीब्यूट। तो बिहेवियर क्या होता है, मेथड के साथ। मेथड किसके साथ जॉइंट है, बिहेवियर। मेथड आर यूज टू एक्सेस द मॉडिफाइड एट्रीब्यूट, लाइक प्राइवेट है, पब्लिक है, पैकेज है, कुछ भी हो सकता है। और भी देश में हम प्रैक्टिकल के थ्रू ही क्लैरिफाई करेंगे। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के टोटल थ्री स्टेप है क्लास के अंदर क्रिएट, एक डिक्लेरेशन, इंस्टेंस एंड इनिशियलाइजेशन, पर क्लास का टाइप क्लियर होना चाहिए। ओके, उसके लिए कई सारे डेटा टाइप्स हैं जो बुलियन आता है, बुलियन का आंसर क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। और इसके अंदर फॉर्मल पैरामीटर्स के रिटर्न वैल्यू भी होने चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने आपको थोड़े से पॉइंट के थ्रू समझाया। तो क्या होता है डिक्लेरेशन के अंदर, जैसे क्लास का नाम, डिक्लेरेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्लास का नेम और वेरिएबल नेम। तो क्लास का नाम क्या है, रूम, तो वेरिएबल का नाम, दैट्स मींस व्हाट, वेरिएबल का मीनिंग यहाँ पे क्या समझते हैं, ऑब्जेक्ट। ओके, आर वन। क्रिएट द ऑब्जेक्ट, उसका सेकंड स्टेप है इनिशियलाइजेशन। अब इसके लिए एक कीवर्ड है स्पेस देने के लिए, न्यू। तो हमने क्लास का भी देखा, वो भी एक कीवर्ड था, और ये भी ऐसे ही था। उसका मेन पर्पस क्या है, मेमोरी एलोकेशन करना। ऑपरेटर न्यू एलोकेशन द मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट लेटर यूज। यहाँ पे रेफरेंस के अंदर हम क्लैरिफाई करें, एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द ऑब्जेक्ट स्टोर। मेमोरी के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर होती है। जैसे एक्स इक्वल टू टेन करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई, 10 बन गई। सेम यहां पर भी इसके जैसा ही है। स्पेशल पार्टीशन ऑफ द मेमोरी कॉल फॉर हीप मेमोरी। ये जो रैम है, रैम के अंदर 4 GB की रैम है, उसके अंदर कई सारे डेटा होते हैं जो कैसे होते हैं, पर्टिकुलर यूज के लिए होता है, और
स्पेसिफाई जिसमें ऑब्जेक्ट लाइव हो सकते हैं, राइट? मीन्स जब डेटा का यूज करना तो कर सकते हो। अब इसके पीछे हमको प्रोग्राम जब समझाते हैं उसके बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस होती है उसके पर क्लैरिफाई करेंगे तभी समझ में आएगा। स्पेशल मेथड आर कॉल्ड फॉर कंस्ट्रक्टर, मेथड के अंदर भी स्पेशल मेथड है उसको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टर। क्लैरिफाई करेगी उसके भी ये मेमोरी क्या है। जैसे एग्जांपल स्पेस देने के लिए जैसे आर वन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू करके उसको स्पेस दी, और कितनी स्पेस चाहिए जो रूम के मेथड मिस क्लास का नाम है। और देखो यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रेकेट आर इम्पोर्टेंट, पीछे ये जो सिंबल है ना सर्कल उसको पैरेंथेसिस बोला जाता है। एम्प्टी पैरामीटर विदाउट आर्ग्यूमेंट, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, और इसको बोला जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोला जाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट कैन बी कंबाइंड इनटू सिंगल स्टेटमेंट, जैसे रूम स्पेस आर टू इक्वल टू न्यू रूम, रूम स्पेस आर टू इक्वल टू न्यू रूम। तो सेम यहां पर भी इसकी रिक्वायरमेंट है, रूम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और क्लास में हमने स्पेस दिया। ये दो लाइन नहीं लिखना है, जैसे आपको ऐसे नहीं लिखना है रूम आर वन और बाद में, तो उसको सिंगल लाइन में भी आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो। ओके, प्रोग्राम के अंदर देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। सेकंड जो है मेमोरी जो है ना, वो मेमोरी का आप रीयूज कर सकते हो, ये थियरी है। और जावा के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज मीन्स व्हाट, जैसे मेमोरी रिलीज होती है ऑन द स्पॉट उसका रीयूज आप अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो, राइट? और लास्ट में जो एक्सप्लिसिटली फ्रीजिंग मेमोरी है उसका भी आप रिलीव कर सकते हो। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट में इंस्टेंस भी बोला जाता है जिसमें हम डेटा यूज करके क्लैरिफाई करते हैं, और जब उसका यूज करते हैं मेमोरी अलोकेट करते हैं, ये प्रोसेस है। उसके लिए कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, न्यू नाम का कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, राइट? इसके बाद हम लास्ट में क्लैरिफाई करें एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है, जैसे मैं आर वन आर टू दो ऑब्जेक्ट बनाए, अपन कॉमन एट्रीब्यूट क्या था, लेंथ, यही वैल्यू डिफरेंट थी। देखो यहाँ पर भी वैल्यू डिफरेंट है, राइट? तो इंस्टेंस इट इज अ कंसर्ट द रिप्रेजेंटेशन, वो कैसे हो रहा है आपको मालूम नहीं है, फिर भी आप उसका यूज कर ले। ऑब्जेक्ट बिहेवियर वी क्रिएटेड द मैथड इन जावा, और ये मेथड को क्या बोला जाता है, इंस्टेंस मेथड, ऑन द स्पॉट जब बनाते हो तब की बात है, राइट? और लास्ट में थर्ड जो है इनिशियलाइजेशन, जब आप यूज करते हो उसका क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, इसको बोला जाता है स्पेशल काइंड ऑफ द मेथड। ओके, ऑब्जेक्ट को पहले डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको स्पेस देते हैं, उसके बाद उसका यूज करते हैं, जैसे इंटीजर है, बुलियन है, जो क्लास के नाम के आगे पैरामीटर के साथ उसको यूज करना है, और इसमें रिटर्न डेटा टाइप भी लिखना है। एग्जांपल दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आई होप सो थोड़ा सा पॉइंट समझ में आ रहा है इसके अंदर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम क्लास ऑब्जेक्ट इन जावा चैप्टर नंबर 8 के अंदर कई सारे पॉइंट्स हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्लास का इंट्रोडक्शन होगा, और ये प्रोग्राम हमने शॉर्ट करके भी दिखा देंगे साइंटेक के अंदर, इसको कैसे याद रखना है, जो लेंथी है 8.1, ओके, क्लास इन जावा, ओके। तो यहाँ पे जावा का पूरा क्लैरिफाई देखो, ये 3 स्टेप मैंने आपको समझाया, डिक्लेरेशन, इंस्टेंस एंड इनिशियलाइजेशन, राइट? तो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम ये सब कुछ माइंड में सेट करके चलना है। ओके, तो नेक्स्ट